दोस्तों, अगर हम यह कहें कि आज के वक्त हमारे भारत का गोल्डन वक्त चल रहा है तो शायद यह कहना गलत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज के वक्त में हमारे भारत में बिल्कुल ही नई सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप करने के लिए दो देश आपस में भिड़ चुके हैं और आपस में यह चेस करने में लग चुके हैं कि भारत में अपनी सबसे पहली सेमीकंडक्टर यूनिट कौन सेटअप करेगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली कुछ वीडियो में बताया था कि ताइवान बेस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किस प्रकार से भारतीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रही है, और सेम दोस्तों उसी तरीके से अब एक साउथ कोरियन कंपनी ने भी हमारी भारतीय कंपनी के साथ एक काफी बड़ी डील को फाइनलाइज कर लिया है। क्या है दोस्तों पूरी अपडेट, चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में डिटेल में समझते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो दोस्तों, मेन खबर यह है कि हैदराबाद बेस एनाफा सिस्टम पैकेजिंग कंपनी ने साउथ कोरिया बेस ओसार्ट कंपनी के साथ एक बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की डील को साइन कर लिया है। और दोस्तों, भारत में अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए ओसार्ट कंपनी करीब 900 करोड़ रुपए की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। और दोस्तों, इस नई सेमीकंडक्टर यूनिट में सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एवं टेस्टिंग फैसिलिटी को तेलंगाना राज्य में एस्टेब्लिश किया जाएगा, और साथ ही इस फैक्ट्री को सेटअप करने का काम भी दोस्तों काफी तेजी से शुरू किया जा चुका है। और दोस्तों, इस पार्टनरशिप को लेकर दोनों ही कंपनियों के ऑफिशियल्स का कहना है कि हम इस प्रयास में काफी तेजी से लगे हैं कि आज के वक्त में जो भारत की चाइना पर डिपेंडेंसी है उसे काफी तेजी से हम रिड्यूस कर सकें, और इसीलिए यह यूनिट में अलग अलग सेगमेंट के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन किया जाएगा। और इसी प्रोडक्शन में न केवल भारत की सेमीकंडक्टर जरूरत को पूरा किया जाएगा, बल्कि भारत के बने हुए सेमीकंडक्टर को इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाएगा। और दोस्तों, देखा जाए तो वैसे भी अमेरिका एवं कई यूरोप देशों में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, और यही दूसरी तरफ लोगों का चाइनीज प्रोडक्ट्स से ट्रस्ट टूटता चला जा रहा है। और दोस्तों, हम बात करें हमारे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की, तो साल 2022 में हमारा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट करीब 180 बिलियन का था, और भारतीय एक्सपर्ट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 तक यही हमारा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट करीब 350 बिलियन डॉलर तक का हो जाएगा। और दोस्तों, देखा जाए तो इसी तरह की पार्टनरशिप आगे चलकर भारत को काफी बड़े बड़े बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगी, और भारत आगे चलकर पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक एवं सेमीकंडक्टर हब बनेगा। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों कोरिया बेस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इस बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।